हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के होम मैनेजमेंट के बारे में। कैसे आप अपने ब्लैडर में होने वाली प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, कुछ सावधानियां रखकर, कुछ बातों को फॉलो कर आप अपने न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, इसके कारण जाने, इसके लक्षण देखा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना। आज हम इसके प्रिवेंशंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा मिर्ची मसाला तेल खाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करने पड़ेंगे, तेल अवॉइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो अवॉइड करना पड़ेगा। अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके न्यूरोजेनिक ब्लैडर का एक कारण हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं और अपने न्यूरोजेनिक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको बार बार टॉयलेट लगती है, पेशाब आती है, जिसमें आपको रात में कम पानी पीना है, दिन और रात का मिलाकर आपको सिर्फ 8 ग्लास पानी पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो रात में आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार आप टॉयलेट करने जाएंगे, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से आपके पैरों में सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो रात में 3 से 4 तकिए का फोल्ड बनाएं और रात में सोते समय अपने दोनों पैरों के नीचे रख कर सोएं, इससे आपके जो पैरों की स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। सेकंड है शेड्यूल वॉइडिंग। अगर आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो आपको अपने यूरिन जाने के टाइम को ध्यान रखना है और हर 2 से 3 घंटे में आपको यूरिन जाना ही है। अगर आपको हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी यूरिन रुक जाती है, यूरिन नहीं आती है, यूरिन बूंद बूंद करके आती है, या फिर आपका ब्लैडर तो भरा है लेकिन आपको यूरिन जाने की इच्छा नहीं होती है, आपके सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, तो इसमें आपको हर 2 से 3 घंटे में यूरिन जाना ही है। इससे आपका ब्लैडर अच्छे तरीके से खाली हो पाएगा और आपको ब्लैडर भरे होने से होने वाली प्रॉब्लम, जैसे पेट में भारीपन होना, दर्द होना, आपको यूरिन ना जाने की वजह से चिड़चिड़ाहट होना, भारीपन लगना, दर्द होना, इससे आपको राहत मिल जाएगी। तो शेड्यूल वॉइडिंग ज़रूर करें, हर 2 से 3 घंटे में यूरिन ज़रूर जाएं। अगर आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है, हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो। थर्ड है अर्ज कंट्रोल करना। अगर आपको हाइपरटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, तो ऐसे में आपको अपने यूरिन करने की इच्छा को दबाना होगा। कैसे करेंगे? अगर आप 5 मिनट पहले ही यूरिन करके आए हैं तो अगर आपको वापस से यूरिन आती है तो आपको इस बार 5 मिनट कंट्रोल करना है, उसके बाद यूरिन जाना है। इस बीच आपको दूसरी जगह मन लगाना है, कोई भी काम करना है, किसी भी तरह आपको 5 मिनट कंट्रोल करना ही है। फिर नेक्स्ट डे आपको 10 मिनट कंट्रोल करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट कंट्रोल करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको 20 मिनट कंट्रोल करना है। ऐसा करते करते आपको हर 1 से 2 घंटे में यूरिन जाना है। अगर आप अर्ज कंट्रोल करेंगे, यूरिन की इच्छा को दबाएंगे, तो आपकी जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, बार बार पेशाब जाने की दिक्कत होती है, और आप जब यूरिन करने बैठते हैं तो 1 या 2 बूंद ही आती है, तो इससे आप बच सकते हैं अर्ज कंट्रोल करके, और आप अपनी ब्लैडर की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं अर्ज कंट्रोल करके। फोर्थ है डबल वॉइडिंग करना। आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसमें आपको हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक ब्लैडर हो सकता है, तो इसमें आपको डबल वॉइडिंग करना है। कैसे करेंगे? जब आप यूरिन करने बैठते हैं तो यूरिन करने के बाद आपको 10 से 20 सेकेंड तक और बैठना है। जब आप 10 से 20 सेकेंड के लिए इंतज़ार करेंगे तो इस दौरान आपको नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है, जिससे आपका ब्लैडर में अगर यूरिन होगी तो वो बाहर आ जाएगी और आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा नहीं होगी। अगर आपको हाइपरटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है
और अगर आपको हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो पाएगा और इससे आप अपने न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। डबल वॉइडिंग ज़रूर करें अगर आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो। अब हम बात करेंगे क्रेड मैनोवर टेक्निक के बारे में। क्रेड मैनोवर एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप अपने ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं। हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम में आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है। आपका ब्लैडर तो भरा रहता है लेकिन आपको यूरिन जाने की इच्छा नहीं हो पाती है। आपके ब्रेन और ब्लैडर के बीच में जो सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लॉस हो जाता है, सेंसेशन लॉस हो जाते हैं जिससे आपको यूरिन जाने की इच्छा नहीं हो पाती है। ब्लैडर तो भरा रहता है लेकिन यूरिन नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्रेड मैनोवर टेक्निक के द्वारा मैनुअल प्रेशर दिया जाता है लोअर एब्डोमेन में जिसके थ्रू आप अपने यूरिन को पास आउट कर सकते हैं। आपकी यूरिन, आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो सकता है। हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम में आपको हर 2 से 3 घंटे में अपना ब्लैडर खाली करना होता है। ऐसे में जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को लोअर एब्डोमेन पेट के निचले हिस्से में नाभि के बिल्कुल नीचे दोनों हाथों को रखना है और उंगलियों से नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। नीचे की तरफ आप प्रेशर देते हुए डाउनवर्ड नीचे लेकर जाएंगे और ये आपको 6 बार करना है। ऐसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे जैसा हाथ रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही रखना है और नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आपको हाथ को ले जाना है और 6 बार ऐसा रिपीट करना है। इस टेक्निक से आप अपने ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं और अपने ब्लैडर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको हाइपोटोनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम है जिसमें आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें। जब भी टॉयलेट जाएँ हर 2 से 3 घंटे में आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हम देखेंगे आगे जिसको फॉलो करके आप अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइजेस करना। इसमें आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है, टेबल टॉप स्प्लिट एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप इसमें चाइल्ड पोज कर सकते हैं। बहुत सी आपकी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है जो कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। कीगल एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, सिकोड़ना है और छोड़ना है। इसके लिए आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं और आपको यूरिन आती है, टॉयलेट दूर है, तो आप अपनी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, वैसे ही आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, मतलब जो यूरिन का एरिया है जहाँ से आप यूरिन करते हैं, उस एरिया को सिकोड़ना है और छोड़ना है। सिकोड़ना है, 5 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद छोड़ना है। तो इसको आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इससे आपको ब्लैडर से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलीफ मिलता है। कीगल एक्सरसाइज के अलावा आपको अपने पेशाब को रोक रोक कर करना है। कैसे करना है, जब आप बैठते हैं पेशाब करने तो रोक रोक कर यूरिन को बाहर करना है। जैसे आपने थोड़ी सी यूरिन किया, उसके बाद यूरिन को टाइट कर लिया, रोक लिया, उसके बाद फिर रिलीज़ करना है, फिर 5 सेकंड के लिए रोक लेना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है एक बार की यूरिन में। इससे आपके ब्लैडर का जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, वो मसल टाइट होती है, जिससे आपको यूरिन के लीकेज की अगर प्रॉब्लम है तो उससे आपको राहत मिलती है और पेल्विक फ्लोर की मसल भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। सो फ्रेंड्स, इन कुछ तरीकों से आप अपने ब्लैडर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।